बेसन का ढोकला तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन क्या आपने चावल और चने की दाल का ढोकला बनाया है? ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। इसे बनाइए आप मेरे तरीके से, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते दोस्तों, इजी फूड किचन में आपका स्वागत है। मैंने एक कप चावल लिए हैं। ये बासमती चावल नहीं हैं, ये मोटे वाले चावल हैं, तो कोशिश करके यही चावल लें। आधा कप चने की दाल ली है। अब हम इन्हें 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे और फिर हम 7 से 8 घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब 7-8 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। 7 घंटे हो चुके हैं, तो जो इसका पानी है वो निकाल देते हैं और दाल और चावल को हम ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। इसे हमें पीसना है और पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो देख सकते हैं, स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। 8 घंटे हो चुके हैं गाइज, एक बार बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ी सी दही ऐड करूँगी, तकरीबन 1/3 कप। आप दही की जगह पानी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे फ़िलहाल मैं साइड में रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेकिंग टिन लिया है, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये काम आपको पहले ही करना है। और मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो 10 मिनट हम उस पानी को गर्म करेंगे। यहाँ पर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने डाली है 1 चम्मच शक्कर, इसकी जगह पर आप पीसी चीनी डाल सकते हैं। अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, अदरक को कस लिया है, वो डाल दिया है। थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी बहुत ज़्यादा ना डालें। बाद में कई बार बनने के बाद हल्दी के निशान चमकते हैं जो अच्छे नहीं लगते, तो कम हल्दी का ही यूज़ करें। इसकी जगह पर आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। एक बार फिर से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे इनो। तो मैंने 1 चम्मच इनो लिया है। अगर आप मीठा सोडा यूज़ कर रहे हैं तो 1/3 स्पून मीठे सोडे की डाल लें। ऊपर से मैंने 1/2 नींबू निचोड़ के डाल दिया है। ये काम आपको एंड में करना है, जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं करनी है, अच्छे से मिक्स करना है और इसे बेकिंग ट्रे में डाल देना है। तो सारे बैटर को बेकिंग टिन में डाल देंगे। गैस पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है एक बड़ी सी कढ़ाई में। एक बार इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है, इस पर मैंने एक स्टैंड रखा था। अब हम इसे ढकेंगे और 15 से 20 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ तो ये मुझे कच्चा लग रहा है, तो मैं इसे 10 मिनट और पकाऊंगी। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक स्टिक डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, ढोकले को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है, तो नाइफ से साइड से स्क्रैप कर लेंगे। जब भी इसे डीमोल्ड करें, ठंडा होने के बाद ही करें। ये देखिए कितना परफेक्टली ढोकला बाहर आया है। बहुत ही बढ़िया ढोकला बना है और बहुत ही स्पॉन्जी। चलिए अब इसे काट लेते हैं। आपको बड़े या छोटे जैसे साइजेस में काटना है आप काट सकते हैं। ढोकला बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए, एक बार पास से दिखाती हूँ, जो जाली है वो कितना परफेक्ट बनी है और स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा आया है।
चलिए अब तड़का बनाते हैं। गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई। जब राई भुन जाएगी तो डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, साथ ही कुछ हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट कर लिया है। हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। मैंने इसमें 1 चम्मच मिश्री को थोड़ा सा कूट के डाला है, आप इसकी जगह पर चीनी डाल सकते हैं। पिंच के करीब मैंने डाली है सिट्रिक एसिड, जिसे हम नींबू का सद भी बोलते हैं, आप इसकी जगह नींबू के जूस का यूज़ कर सकते हैं। मैं खट्टा मीठा ढोकला बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने चीनी डाली है और ये सिट्रिक एसिड डाला है। थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर मुझे चीनी कम लग रही थी तो मैंने मिश्री को थोड़ा सा और मिश्री को कूट कर फिर से डाला है। तो 2 चम्मच समझ लीजिए मैंने मिश्री को कूट कर डाला है, आप इसकी जगह 2 चम्मच चीनी डाल लीजिए। उबाल आ चुका है तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब पानी को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, मतलब बहुत गर्म गर्म पानी हम ढोकले पर नहीं डालेंगे, हल्का सा गुनगुना तड़का हो तो डालेंगे। तो धीरे धीरे करके इस तरह से डालेंगे, जो ढोकला है सारे पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ना तो ढोकला एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ढोकला थोड़ा सा जैसे कि ना फटाफटा सा मतलब टूटने लगेगा। सारा पानी डालने के बाद हम ढोकले को फ्रिज में रख लेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि ढोकला हमें ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए पास से कितना अच्छा ढोकला लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा, और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। तो मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। ढोकले ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना जो इसका साइज़ है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बहुत स्पॉन्जी, बहुत ही परफेक्ट ढोकला बना है, टेस्ट भी बहुत ऑसम है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। गाइज मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।